बेटा मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी है वो। तुम्हें पता है वो जो उसके साथ है अभी, वो उसका पति नहीं है, वो मेरी बेटी का पति है। और वो जो स्ट्रेचर पे पड़ा है निखिल, वो उसके होने वाले बच्चे का असली बाप। वो मेरे पति को मुझसे अलग करना चाहती है, इसलिए उस बच्चे को मेरे पति का बच्चा बता रही। मैं माँ हूँ इसकी और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत कोशिश की है इसने उसका सच सामने लाने के लिए, लेकिन कभी कुछ भी हाथ नहीं आया। तुम तो अब असलियत जानती हो ना, अगर तुम हमारा साथ दोगी ना, उस तनु की असलियत हमारे दामाद के सामने आ जाएगी। हमारा साथ दे बेटा। डोंट वरी आंटी जी, मैं आपके साथ हूँ। उस तनु पर तो मुझे तभी शक हो गया था जब वो निखिल को लेकर छुप गई, पर अब कोई बात नहीं, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। वो फॉर्म जिस पर उसके सिग्नेचर है, और वो कांस्टेबल जिसको उसने FIR लिखवाई, और अब तो कुछ ही देर में वो डॉक्टर भी बता देगी कि ये सिर्फ एक नाटक कर रही है, इसके पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन एक डॉक्टर से नहीं। और उस झूठ के बाद हम तनु के असली पति का सच उसके सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। खौंड जी कितनी गर्मी है, नींबू पानी वो तो किसी काम का ही नहीं इस गर्मी में, और कोई ठंडा शरबत उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या करेगी मिताली अब? आइसक्रीम खाती हूँ, शायद उससे कुछ गर्मी कम लगे। यम्मी आइसक्रीम लगे, बहुत यम्मी आइसक्रीम है मिताली। आकाश आया था आज ऑफिस में पूरब को ढूंढते हुए। सरला आंटी के बारे में कुछ बता रहा था, सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सरला आंटी के बारे में कुछ मालूम चला? तो पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती हो? क्यों जवाब दूँ? अगर मुझे कुछ पता भी होगा ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी होती है तो आप भी अपनी बातें मुझे नहीं बताते हैं ना? पहले दूसरों को अपनी बातें बताना और उसकी बातें सुनना सीखिए। मिताली ये घुमा फिरा के बातें करना बंद करो, साफ साफ बोलो बोलना क्या चाहती हो। तो साफ साफ ही सुन लीजिए, आप बच्चों से मिलने के लिए हॉस्टल गए थे ना? गए थे नाराज? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, गए थे कि? हाँ गया था। तो फिर मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि राज मुझे बच्चों से मिलाने के लिए हॉस्टल लेकर चलिए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तब तो आपके 50 बहाने होते थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, मेरी मीटिंग है, मेरा सर दर्द कर रहा है, आज आज खुद अकेले चले गए। चला गया के? क्योंकि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ में कहीं भी। क्यों? वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं है राज, वो मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उनकी याद आती है। मेरे बारे में नहीं सोचना था तो ना सोचते, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचा होता। उन्होंने क्या सोचा होगा कि पापा मिलने आए, मम्मी क्यों नहीं आए? आप ये सब करके क्या जताना चाहते हैं? देखो मिताली, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए वक्त है नहीं, ठीक? जो पूछा है उसका जवाब देना है तो दो, वरना मैं जाऊं। हाँ तो जाइए ना, मैंने आपको कब रोका है? वैसे भी आपका होना ना होना मेरे लिए तो एक ही बराबर है। आप घर पर आते भी हैं तो मुझसे मिलते कहाँ हैं, ना ही मुझसे बात करते। बस तनु, अब तुम्हारे इस खेल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अगले 2 मिनट में तुम्हारा झूठ सबके सामने होगा, और अगले 5 मिनट में तुम्हारा असली चेहरा। कहा था ना तुमसे, झूठ कितना भी बड़ा हो उसे सच के सामने एक दिन झुकना ही पड़ता है। अब क्या करूं? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती, और क्या कह के भागूंगी? भागी तो अभी को शक नहीं, यकीन हो जाएगा कि मैं ही झूठी हूँ, लेकिन यहाँ रही तो भी पकड़ी जाऊंगी। ओ गॉड, क्या करूं? बेटा जी आप परेशान मत हो, शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि सच सामने आ जाए, क्योंकि जब सच सामने आता है ना तो क्या झूठ है क्या सच, ये इंसान की नजर में साफ साफ नजर आने लगता है। वैसे भी जब झूठ का पर्दा हटता है तो सच की रोशनी इंसान के सामने आ जाती है। क्या बोल रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं,
तुम जल्दी समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माँ लिफ्ट आ गई। हे भगवान, बस एक बार ये निखिल को देख ले, फिर तनु की ये कहानी यही खत्म। माँ लिफ्ट आ गई। हे भगवान, बस एक बार ये निखिल को देख ले, फिर तनु की ये कहानी यही खत्म। कहाँ देख रहे हैं? बाप का घड़ा जितना भी बड़ा हो ना, एक दिन भरता जरूर है। कल तू मुझ पे हंस रही थी ना, आज मैं तुझ पे हंसूंगी। कैसी जगह फंसी हूँ, मेरे साइन और निखिल दोनों सामने होंगे, क्या बोलूंगी अभी को? मैं नहीं देख सकती अपनी हार। कहाँ है मेरी बीवी? अरे यही तो है। कहाँ है? आंखें काम नहीं कर रही हैं क्या? ये सामने ही तो खड़ी हैं। ये मेरी बीवी नहीं है। ये आप मुझे कहाँ लेके आए हो? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? ये मेरी बीवी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर आप देखिए, यही तो है इनकी बीवी, इन्होंने अपना पति बताया इनको। ये देखिए इनके सिग्नेचर भी है। पर इस पे धनु के नहीं, किसी टैनी के साइन। आप मुझे दिखाई प्लीज। ये कहाँ? अरे अच्छा हुआ आपको होश आ गया, आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपकी वाइफ आपको यहाँ लेकर आई थी। पता है आपको, आपकी वाइफ ना बहुत चालाक है। एक मिनट, क्या कह रही है? मेरी वाइफ? हाँ वो तनुश्री मॉडल, वो आपको यहाँ लेकर आई थी, आपका फॉर्म भी भरा, उस फॉर्म में उन्होंने खुद को आपकी वाइफ बताया है और आपके FIR वगैरह सारी कार्रवाई पूरी की। लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ रॉकस्टार अभी को देखा, वो आपको पति मानने की बजाय उसे अपना पति बोल रही है ये मेरे होने वाले पति है, और वो बच्चा भी उनका, ऐसा बोल रही थी। तो मतलब अभी आया किसी और काम से यहाँ और उसने तनु को देख लिया? अब और कौन है? कुछ और बताइए। प्रज्ञा नाम की लेडी और उनकी माँ आई है साथ में। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने अभी सर को बता दिया है कि वो तनु आपको और उनको दोनों को बेवकूफ बना रही है, और उसका साइन किया हुआ फॉर्म भी है हमारे पास। अब तो आप भी चलकर सब सच बता देंगे, तो आप चलिए ना मेरे साथ और चलकर सब सच बता दीजिए, उससे तनु का झूठ पकड़ा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ। एक 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 मिनट सिस्टर, एक मिनट मुझे समझने तो दो। यार पहले तो मेरा सर दुख रहा है। ये जो ये लोग कौन है जो शोर मचा रहे हैं? है क्या? कौन, कहाँ है लोग? अरे कौन किसके साथ शादी करता है, किसका बच्चा किसका है, छोड़ दो ना, तुम्हें क्या लेना देना है इसके साथ? तुम अपनी भलाई देखो, अपने परिवार की, और तुम्हें क्या करना है जानती हो ना? ये जो फाइल है ना, इस पर के सिग्नेचर्स भी दिखाने की जरूरत नहीं है ना। ये सिग्नेचर्स दिखाने हैं और ना अभी के सामने कुछ भी बोलना है। कब तक मेहनत करती रहोगी? है नर्स कितना मिलता है तुम्हें? मैं तुम्हें पूरे 10 लाख दूंगा। 10 लाख और परिवार सुरक्षित। द डिसीजन इज योर्स। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। गुड चॉइस। अब जाओ जाके किसी वार्ड बॉय को पकड़ो और उसे तनु का पति बना दो। जब आपका शैतानी दिमाग आपके सारे काम कर देता है, तो फिर भगवान को मानने की क्या जरूरत है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।